अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, हमारी आजकल बहुत सारी डेली एक्टिविटीज, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और इवन बैंकिंग अब हमारे फोन्स पे आ चुकी है। तो हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HBL मोबाइल बैंकिंग के बारे में। और शायद आप ऑलरेडी जानते हो कि HBL पाकिस्तान की लार्जेस्ट बैंक होने के साथ साथ पाकिस्तान की सबसे पहली कमर्शियल बैंक भी है। 1650 से ज्यादा ब्रांचेज और 2100 से ज्यादा ATMs हैं और इनके 23 मिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HBL मोबाइल बैंकिंग का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे आप इस ऐप को इस्तेमाल करके अपने रूटीन के ट्रांजैक्शंस और बिल पेमेंट्स घर बैठे क्विकली कर सकते हैं, कैसे यह ऐप आपके सारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करती है और कैसे यह ऐप सिर्फ एक मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल ऐप है जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे फीचर्स डाले गए हैं कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल और बहुत सारी दूसरी कन्वीनियंसेस। तो बात को शुरू करेंगे ऐप के सेटअप से। आप HBL मोबाइल ऐप को किसी भी मेजर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप एप्पल पे हो या फिर एंड्रॉयड या इवन हुआवे। अगर आप एंड्रॉयड पे हैं तो गूगल के प्ले स्टोर में HBL मोबाइल के 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, यानी कि 50 लाख लोग पाकिस्तान में एंड्रॉयड पे HBL के ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, विच मेक्स दिस ऐप द मोस्ट यूज्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप इन पाकिस्तान। और इसकी रेटिंग यहाँ 4.2 स्टार्स है। अगर आप मेरी तरह एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं तो HBL मोबाइल ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है और यहाँ इस ऐप की रेटिंग 4.5 स्टार्स है। और अगर हम बात करें हुआवे ऐप गैलरी की तो HBL मोबाइल के 2 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। फन फैक्ट, जब हुआवे का वो सारा गूगल एप्स वाला इशू हुआ था तो HBL वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिनने हुआवे के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि इनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप को जल्द से जल्द हुआवे के फोन्स पे लाया जा सके ताकि HBL के कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। और मुझे ये बात हुआवे वालों ने बताई थी। तो जब आप अपने फोन पे HBL मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इसको सेटअप करना होगा। स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आप साइन अप पे टैप करें, अपना CNIC नंबर एंटर करें, फिर अपना कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस डालें, एक नई लॉगिन आईडी एंटर करें। इसके बाद आपको एक OTP यानी कि वन टाइम पिन बजरिया SMS सेंड किया जाएगा। आप उसे डालेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना होगा एंड यू आर गुड टू गो। तो अब हम बात करेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने HBL मोबाइल की ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। बाय द वे, यहाँ मैंने बायोमेट्रिक लॉगिन को इनेबल किया हुआ है तो मैं सिर्फ अपनी फेस आईडी करके भी इसे इस पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कलर स्कीम HBL के सिग्नेचर कलर्स में है, तो पेस्टल ग्रीन, चारकोल ग्रे और व्हाइट, विच आई थिंक मेक्स दिस ऐप वेरी इजी ऑन द आईज। और एक कूल बात यह भी है कि इस ऐप में डार्क मोड को डाला गया है जिसे आप यहाँ लेफ्ट पे मेन्यू पे जाके डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। मेरे लिए ये चीज न्यू है, मेरी दूसरी बैंकिंग ऐप्स में ये फीचर नहीं था। अब ऐप की मेन स्क्रीन पे सारी चीजें बहुत ही सिंपली लेड आउट है। यहाँ अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है और स्क्रीन के टॉप पे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ज्यादातर लोगों की मेन बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एटलीस्ट मेरे लिए तो यही 3 है, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज। वीडियो में आगे चल के मैं आपको अपने मोबाइल फोन का बिल भी पे करके दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस कितना आसान है। लेकिन अगर वापस आ जाए इंटरफेस पे तो यहाँ नीचे वाली तरफ ये विजिट्स हैं और यहाँ वो लाइफस्टाइल वाली बात आ जाती है जिसको मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो यहाँ आप अपनी ट्रैवल टिकट्स बुक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी। प्राइस हो या है, शाउट आउट टू अदनान शफी और अदील शफी। होम शॉपिंग है, शाउट आउट टू शायन तायर। लेकिन अगर हम बैक पे जाके यहाँ मोर पे टैप करें तो हमें यहाँ बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, बिजली, गैस, पानी और इवन स्कूल फीस आप एजुकेशन का यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि आपको पहले बताया मौजूद है और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि टैक्स पेमेंट्स, पे प्रो जो कि मैं पर्सनली भी इस्तेमाल करता हूँ अपने बिल्स पे करने के लिए। फिर QR पेमेंट्स हैं जिनसे आप बारकोड स्कैन करके पेमेंट्स कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स में। और फिर इन्वेस्टमेंट्स, लाइफस्टाइल और आपकी एंड में अकाउंट की सेटिंग्स। यानी कि ये HBL मोबाइल ऐप एक बहुत ही फीचर रिच ऐप है जहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ 1000 से भी ज्यादा बिलर्स हैं जिनके साथ आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप HBL के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस मेन स्क्रीन पे आप अपने HBL म्यूचुअल फंड्स की भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब इंट्रो में मैंने आपसे कन्वीनियंस की बात की थी और मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मकसद होता है कन्वीनियंस और स्पीड। तो मैं अब आपको अपना मोबाइल बिल पे करके दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस कितना क्विक है। तो यहाँ मैं मोबाइल रिचार्ज पे जाऊंगा, पोस्टपेड पे जाऊंगा, मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ फीड हुआ हुआ है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब वो मेरी डिटेल्स निकाल रहा है, यहाँ 3500 का तकरीबन बिल है, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसने अब OTP जनरेट कर दिया है, अगेन वन टाइम पिन। ये हमेशा हर ट्रांजैक्शन में आपके लिए एक OTP जनरेट किया जाएगा और ये पिन आने में चंद ही सेकंड लगते हैं, मुझे SMS और ईमेल दोनों पे आता है। तो मेरा पिन आ चुका है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। तो अब ये मुझसे मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है, तो जस्ट अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये मैंने अपना पासवर्ड अब डाल दिया है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के मैं पे दबाऊंगा। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बिल पे हो चुका है,
मुझे अब थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरा बिल पे हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा, विद इन मोमेंट्स मैंने अपना मोबाइल फोन का बिल पे कर लिया, और ऐसा ही एक्सपीरियंस आपके बाकी बिल पेमेंट्स में भी होगा। और एक बार आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कहां वो लाइनों में खड़े होकर धक्के खाना, और कहां ये क्विक और इजी ट्रांजैक्शंस जिसे आप अपनी सारी मंथली बिल पेमेंट्स विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है मोबाइल बैंकिंग की, तो जो सबसे मेन कंसर्न लोगों की होती है वो है सिक्योरिटी, और बहुत जरूरी भी है कि आप अपने पैसे को जितना हो सके उतना सिक्योर रखें। अगर आप टेक फॉलो करते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेकिन HBL ने अपनी इस ऐप में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। तो HBL मोबाइल के इस इकोसिस्टम को मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर से सिक्योर किया गया है। पहले तो है आपका यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड जो आपने अकाउंट सेटअप करते हुए बनाया था, फिर है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो हमने अभी अपना बिल पे करते हुए डाला, जो कि आपको तकरीबन सारे ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाय द वे, ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड हर मोबाइल बैंकिंग ऐप में नहीं होता, मेरी पिछली मोबाइल बैंकिंग ऐप में नहीं था। फिर आता है OTP, यानी कि वही वन टाइम पिन जो कि आपको बजरिया SMS और ईमेल भेजा जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर है रोबो कॉल्स, जहां कुछ मौकों पे आपको बैंक की तरफ से एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन का कॉल किया जाता है, यानी कि जब आप पहली बार फंड्स ट्रांसफर करना चाहें या आप अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट्स चेंज करना चाहेंगे तो आपको एक कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल की जाएगी। फिर कुछ और भी एंटी रिस्क मेजर्स हैं, जैसे कि एक यूजर मैक्सिमम 2 devices पे अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकता है और एक डिवाइस पे मैक्सिमम 2 users अपने अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी एक और एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। तो चाहे आपके अकाउंट में लाखों या हजारों रुपए हों, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग के छोटे छोटे कामों के लिए बार बार ब्रांच जाते हैं, या फिर बेगम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए चेक काटते हैं, या फिर अपने बिल्स पे करने के लिए लाइनों में धक्के खा रहे होते हैं, तो एक टेक चैनल होने की हैसियत से मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल बैंकिंग ट्राई करें। मैंने पर्सनली जब से मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करना शुरू किया है तो मेरे ब्रांच के चक्कर ना होने के बराबर हो गए हैं, और मेरा पैसे रिसीव करने का और पेमेंट्स करने का प्रोसेस अब बहुत ही क्विक और एफर्टलेस हो चुका है। HBL मोबाइल बैंकिंग ऐप को डिजाइन किया गया है ईज ऑफ यूज के लिए, सॉफ्ट सी कलर स्कीम, इजी नेविगेशन, ताकि हर किस्म का यूजर इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। थैंक यू टू HBL फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अभी जाएं HBL में अपना अकाउंट खुलवाएं और इनकी मोबाइल बैंकिंग से अपनी जिंदगी आसान बनाएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।